है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर टाइकोनियन। सो आज का जो वीडियो है हमारा, वो मेन टॉपिक है हाउ टू विन एनी मैच इफ़ यू आर ए बिगिनर। अगर आप बिगिनर हो और अगर आप किसी मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे वो टाइकोनो फाइट हो या फिर कराटे फाइट, अगर उस मैच को आप जीतना चाहते हो तो आपको दो बेसिक किक्स आना जरूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वो दो बेसिक किक्स आते हैं तो आप जो किसी भी बेल्ट को हरा सकते हो। बस उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ होने चाहिए, तीन क्वालिटीज़ होना चाहिए। मैं आपको तीन क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ। अगर वो आपके अंदर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्रैक्टिस करके उस तीन क्वालिटीज़ को बना सकते हो और जो आप अपना जो भी मैच रहेगा वो आप जीत सकते हो, चाहे अगर आप वाइट बेल्ट में हो या फिर ब्लैक बेल्ट में। अगर आपको ये दो बेसिक किक्स आते हैं तो आप जो किसी को भी हरा सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी फाइट देखे हुए हैं और मेरे सामने मैंने काफ़ी फाइट देखे और काफ़ी एक्सपीरियंस भी किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने अधिकतर ऐसे फाइट देखे हैं कि जिसमें सब बुल फाइट करने लग जाते हैं, चाहे वो वाइट बेल्ट वाला हो। वाइट बेल्ट तो खैर बिगिनर रहता है तो उसको पता नहीं रहता कैसे फाइट करना है, बट मैंने काफ़ी सीनियर्स बेल्ट्स को भी देखा है कि वो बुल फाइट करने लग जाते हैं, कोई भी किक्स मारने लग जाते हैं, चाहे वो किक लग रहा है कि नहीं लग रहा, पॉइंटिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है पता नहीं, बट सब किक मारे जा रहे। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मार रहा है उसका स्टैमिना डाउन हो जाता है और वो जो आखिरकार में लास्ट में हार जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, टेक्निक के साथ खेलना है। अगर आपको बेसिक किक्स भी आते हैं तो आप जो अपने से बड़े वाले सीनियर बेल्ट को हरा सकते हो, बस उसमें आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। आपके अंदर स्पीड, फुर्ती, टारगेटिंग, पावरफुल पावर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप आज इसी तीन क्वालिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर चलते हैं अब आगे। तो मैं आपको दो बेसिक किक बताने वाला हूँ। ये जो किक है सीनियर बेल्ट भी यूज़ करते हैं और जो बेसिक यानी बिगिनर जो है वो भी यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ करते हैं। तो पहला जो आपका किक है वो है राउंड हाउस। अधिकतर आपने देखा होगा, ठीक है, अधिकतर आपने देखा होगा जो फाइट में जो है यही किक यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये जो है सबसे परफेक्ट किक रहता है और पॉइंटिंग लेने में सबसे ईजी पड़ता है। सेकेंड जो किक है वो आपका पुश किक, जिसे थ्रस्ट किक भी कहते हैं, ठीक है। इससे आपको जो अपने ओपोनेंट को अपने से दूर रखते हो और इसमें भी थोड़ा बहुत पॉइंटिंग मिल जाता है। अगर ये आपके दो बेसिक किक्स आते हैं तो आप जो है इजीली अपने सीनियर्स को हरा सकते हो, बस आपके में आप कुछ क्वालिटीज़ होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वालिटीज़ जो है हमारा, वो हमारे अंदर स्पीड, रिएक्शन टाइम आपका। तो स्पीड जो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका वो स्पीड बनेगा नहीं, फर्स्ट आपको स्पीड होना चाहिए। जैसे कि आपका जो ओपोनेंट है, जैसे उसका एक किक मिस हो रहा है, जैसे जो ओपोनेंट ये मार रहा है और ये मिस हो, तब तक आपका किक लग जाना चाहिए, ठीक है। इसका यहाँ से किक आया, आपके अंदर स्पीड होना चाहिए, फुर्ती, ठीक है, जितना स्पीड रख सकते हो बॉडी स्पीड जर्क देना। ये जब तक आप अंदर से मन से नहीं करोगे कि मेरे को स्पीड मार रहा है, तब तक जो है स्पीड नहीं मिलेगा। आपको अंदर से आना चाहिए, इच्छा आना चाहिए कि स्पीड लाना, आप अपने अंदर स्पीड लाना, ठीक है। जब तक आप नहीं लाओगे वो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसको आपको मेहनत करना पड़ेगा, देन ही आप जो है स्पीड बना सकते हो। उसके बाद चलते हम सेकेंड क्वालिटीज, वो है आपका पावर। पावर भी एक जो है इम्पैक्ट मिलता है पावर के लिए। अगर जैसे कि आप स्पीड तो है बट ऐसे टच कर रहे हो, लग नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है, रेफरी पॉइंट दे तो कैसे दे, जब तक आवाज़ नहीं आएगा पावर से लगेगा नहीं, तो जो आपका रेफरी है वो पॉइंटिंग नहीं दे पाएगा अच्छे से। और काफ़ी मैंने ऐसे मैचेस देखे हैं जिसमें कि पॉइंटिंग इतने धीरे से मिल जाता है, मतलब कि जो परफेक्ट मारा रहता है, जो फाइटर रहता है, उसने परफेक्ट किक मारा रहता है, टच होता है बट आवाज़ नहीं करता है। और इसी का सब जो है फ़ायदा उठा के काफ़ी जगह, काफ़ी गेम में जो है पॉलिटिक्स होके दूसरे ओपोनेंट को जो है विन दे दिया जाता है, बिकॉज पॉइंटिंग एकदम परफेक्ट नहीं रहता है। आप ऐसा फाइट करो कि जो है पॉइंटिंग पता चल जाना चाहिए कि पॉइंट मिला, रेफरी को मजबूर करना है कि आपको जो है पॉइंटिंग दे, बिकॉज काफ़ी ऐसे फाइटिंग होता है, मतलब कि काफ़ी मैच होता है जिसमें पॉलिटिक्स की वजह से हरा दिया जाता है अपने आपको, बिकॉज आपका जो है स्पीड है बट आपको जो है परफेक्ट नहीं लग रहा, पावर नहीं लग रहा, तो उसके वजह से जो है आपको हरा दिया जाता है अगर उस गेम में पॉलिटिक्स है तो, ठीक है। तो आपके अंदर स्पीड भी होना चाहिए और पावर भी होना चाहिए, पावर लगना चाहिए तो ओपोनेंट को पता चलना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए कि दर्द हो रहा है, और रेफरी भी जैसे लगा रेफरी को पता चल जाना चाहिए कि ऐसे आवाज़ आना चाहिए जैसे कि मारते जो आपका गार्ड रहता ना, गार्ड ये प्रोटेक्शन, उसमें लगते ही आवाज़ आना चाहिए, उसके अगर जैसे आवाज़ आएगा देन जो आपका रेफरी है तुरंत पॉइंटिंग नोट करेगा, ठीक है। ये दो हुआ, अब चलते हमारा तीसरा आपका है टारगेटिंग। अगर आपका टारगेटिंग नहीं है तो आप जो है नहीं मार पाओगे, पॉइंट नहीं ले पाओगे,
बिकॉज आपका जो ओपिनियन है वो सीधा सीधा खड़े हो के तो ऐसा नहीं बोलेगा कि ले मार भाई, ठीक है। तो आपको जो है टारगेटिंग रखना चाहिए, बिकॉज आपका ओपिनियन भी ऐसे हिलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही बार में खड़ा रहेगा ऐसे कि मार ले मेरे को मार ले बोल के, नहीं ना। तो वो आपका ओपिनियन भी हिलता रहेगा, तो आपको जो है टारगेटिंग होना चाहिए, एकदम परफेक्ट लगना चाहिए। जहाँ पे आपने निगाहें रखे हैं वहीं पे परफेक्ट ठीक चिपक जाना चाहिए। जैसे कि काफ़ी फाइट में ऐसे फाइट रखते हैं तो इतना हिस्सा यहाँ पे खाली रहता है, तो उस हिस्से पे आपको टारगेट लेना और अचानक से पाटे स्पीड होगा, पावर रहेगी और टारगेट रहेगा, तो आप किसी भी मैच में आप जो है जीत सकते हो। चाहे आपको टर्निंग किक्स भले ना आते हो, बट अगर आप ये दो बेसिक किक्स अगर आप फाइट करते हो, आपके में ये तीन क्वालिटीज है, तो आप जो है स्पीड में जो है इजली हरा सकते हो अपने सीनियर्स को, ठीक है। तो आपके में टारगेटिंग स्पीड होना चाहिए, जैसे कि ये आ रहा है तो जाते टाइम, ठीक है, आपके में और स्पीड पावर और टेक्निक होना चाहिए, जैसे ठीक है, एकदम टारगेट मेजर होना चाहिए कि जहाँ पे देखा आपने वहीं पे किक लग जाना चाहिए। इतना आपके अंदर फुर्ती होना चाहिए, इतना अंदर आपके अंदर स्पीड होना चाहिए। अगर आपके में ये तीन क्वालिटीज़ है तो आप जो है किसी को भी हरा सकते हो, अगर नहीं है तो आप इस क्वालिटीज़ को बना सकते हो रेगुलर प्रैक्टिस के बेसिस पे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है सबसे पहले पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।